साथीगण, कांग्रेस परिवार के साथीगण, सबको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ तुलसीराम सिलावट को घर भेजना है कि नहीं भेजना है? आवाज दिया है कमलनाथ जी को, जरा भैया मंच के लोग भी बैठ जाओ, जरा नीचे बैठो, सब नीचे बैठ जाओ। ये बाहर जो ढोल बज रहे भैया ढोल, ये जो ढोल बज रहे इनको बंद कर दो ढोल, चिंटू चौकसा जी ढोल बंद करो, ये ढोल बंद कर दो भैया। ये सर जन सैलाब है कमलनाथ जी, लगातार आपके स्वागत सत्कार और आपकी सरकार के सम्मान के लिए आ रहा, जरा जोरदार तालियों से स्वागत करो। मैं आदरणीय चिंटू चौकसा जी से अनुरोध करता हूँ, वही रुक जाओ और अपने ढोल धमाके बंद कर दो चिंटू भैया, ढोल धमाके बंद कर दो चिंटू, चिंटू चौकसा जी कृपा करके ढोल बंद करा दो, ढोल बंद कर दो, ढोल बंद हो गया, हो गया, हो गया, अरे ढोल बंद कर दे भैया चिंटू, ढोल बंद करा, पहले ढोल बंद करो। चिंटू चौकसा अकेले आएंगे, बाकी वही रुको, राजा चौकसा वही रुको, राजा चौकसा वही रुको, हो गया, हो गया, हो गया चिंटू, हो गया, हो गया, हो गया, आराम से, आराम से, राजा भैया, राजा भैया वही रुको, राजा चौकसा, राजा चौकसा वही रुको, अब ऊपर भी चढ़ जा तुम्हारा राजा चौकसा दिया, वही रुको, चलो चिंटू ऊपर आ जा, चला जा। सब भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय कमलनाथ जी, मैं एक बार आपको सिग्नेचर करवाता हूं। अच्छा ये बताओ कि तुलसीराम सिलावट को वापस घर भेजना है कि नहीं भेजना? आवाज पीछे से आनी चाहिए जो कुर्सियों पे बैठे हैं, तुलसीराम सिलावट को घर भेजना है कि नहीं भेजना? आदरणीय सभी परिवार के लोग, थोड़ी शांति से बात करेंगे, थोड़ी सी शांति, पांच मिनट की। ये ढोल धमाके बंद करवा दो भैया बाहर भी। आदरणीय कमलनाथ जी, आपके भाषण प्रदेश की जनता सुनती है, आप कहते हो कि कमलनाथ का समर्थन मत करना, कांग्रेस का समर्थन मत करना, पर सच्चाई का समर्थन करना, सच का साथ देना और सच के साथ होकर मध्य प्रदेश के विकास की बात करना। लोगों से अनुरोध करता हूं कि ऐसी सच्चाई से जिसका मन साफ हो, जिसने काम करने की जिसमें ललक हो, वही बात कर सकता है। शिवराज सिंह में दम हो और वो गद्दार ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसने करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावनाओं का खून कर दिया, अगर उसके मन में ईमानदारी हो तो जो कमलनाथ बोलते हैं कि सच्चाई का साथ देना, एक बार बोल के तो देखे किसी मन से जनता को सिर्फ गुमराह करना। मैं आप अनुरोध करना चाहता हूं, कमलनाथ जी के व्यक्तित्व को लेकर आज कोरोना का संकट है, रोजगार चले गए, भयावह स्थिति है, किसान दर बदर चल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, ऐसे में अगर कोई एक व्यक्ति जो संकट से उभार सकता है तो वो सिर्फ कमलनाथ है। उनके विश्वव्यापी संबंध है, पूरे देश में उनने जो काम किया उसका अनुभव है, और कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुखिया बनेंगे तो इस प्रदेश का उत्थान होगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जोरदार ताकत से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कमलनाथ जी का स्वागत करो आप सब लोग। आदरणीय साथियों, जैसा कई बातें आपको पता है, अगर कांग्रेस की सरकार इन्होंने गिराई तो कहा कि किसानों का कर्ज सही समय पे माफ नहीं हुआ, तो यह सरकार नई सरकार शिवराज सिंह जी ने शपथ ली तो आप किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर रहे हैं? जब 27 लाख किसानों का कर्जा कमलनाथ ने माफ किया तो बचा हुआ इनको माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर कमलनाथ जी ने दूध के फेंक के भाव बढ़ाए या है तो खड़ गए, तो ये तुलसीराम सिलावट मिलावट राम, मिलावट राम बिकाऊ राम मिलावट, अगर बिका तो इसको दूध के फेंक के भाव बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? अगर माफियाओं के खिलाफ युद्ध, जो गरीबों को
जो मकान दुकान की आफत आती थी, अगर ये सरकार गई, कमलनाथ जी ने चालू किया और बंद हुई, तो इसका दोषी तुलसीराम सिलावट है कि नहीं है? आदरणीय साथियों, जो खाने पीने की चीज में मिलावट होती थी, इन मिलावटों के खिलाफ कमलनाथ जी ने युद्ध किया था। उन बच्चों को, परिवार के साथियों को जो जहर ये लोग दे रहे थे, अगर वो बंद हो गया वापस वो मिलावट का के खिलाफ युद्ध, तो इसका दोषी तुलसीराम सिलावट है कि नहीं है? ऐसी तमाम बातें हैं साथियों। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आदरणीय अभी थोड़ी देर आदरणीय सभी परिवार के साथियों से अनुरोध है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस दिन सरकार गिराई, तो एक बात कही, एक लोगों को बयान दिया कि मैंने जन सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए सरकार गिराई। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने अपने लोगों की मीटिंग ली चुनावी तैयारियों को लेकर, तो उन्होंने कहा ये ठाट, ये बाट, ये हर तरह का आपका मान सम्मान जब तक सरकार है तब तक, तो सरकार है तब तक अगर ठाट बाट है तो जनसेवा कैसी? और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसेवा का संकल्प लिया था, आज मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ कि पहली कैबिनेट जिसमें हम मंत्री बन के गए, कमलनाथ जी उसकी अध्यक्षता एज ए मुख्यमंत्री कर रहे थे, 186 एकड़ जमीन अगर लीज पे 1 रुपए में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ली, तो यह भ्रष्टाचार था कि जन सेवा थी? इसका उत्तर दे ज्योतिरादित्य। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रभात झा जो बार बार आरोप लगाते थे और कहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से बड़ा भू माफिया कोई नहीं, तो प्रभात झा सच बोलते थे कि झूठ? क्या शिवराज सिंह चौहान बताए प्रदेश को कि सच्चाई क्या है? ग्वालियर चंबल की 100 एकड़ जमीन है जहाँ पर सरकारी ट्रस्ट से प्राइवेट ट्रस्ट में करवा ली, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन सेवा है या भ्रष्टाचार? ये मध्य प्रदेश की जनता को पता चलना चाहिए। साथियों, बात बहुत है कहने की, पर मैं आप सबसे भावनात्मक एक बात कहना चाहता हूँ। जो इन गद्दारों ने कृत्य किया पूरे प्रदेश में करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावनाओं का खून किया, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके 15 साल की सरकार निकाली थी गरीबों की सेवा के लिए, उनके साथ अन्याय किया। मैं मानता हूं कि इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को और इन गद्दारों को, जिन्होंने कार्यकर्ताओं की भावना को खून किया, इनकी बददुआ लगेगी। और आप सबसे अनुरोध है, सावेर की सीट हमारी जीती, आप सबको एक एक व्यक्ति को प्रेमचंद करना है, सब परिवार के साथियों को, कांग्रेस पार्टी को अपना परिवार के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इस तरह का व्यवहार करना है। और कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे वापस, जरा जोरदार तालियों से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे वापस, तब किसानों का कर्जा वापस माफ होगा, यह योजना लागू होगी। कमलनाथ जी जैसे ही फिर से मुख्यमंत्री बने चुनाव के बाद, किसानों के दूध के भाव बढ़ाए जाएंगे। कमलनाथ जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने वापस, बिजली के बिल जैसे पहले आ रहे थे 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए वापस किए जाएंगे। कमलनाथ जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, माफियाओं के खिलाफ युद्ध जारी रखा जाएगा। कमलनाथ जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, मिलावट के खिलाफ शुद्धि का युद्ध हमेशा की तरह चालू रहेगा। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, आदरणीय कमलनाथ जी को मैं बुलाऊं, इससे पहले अपनी अपनी जगह खड़े होकर कमलनाथ जी के अभिवादन में तालियों से स्वागत करो। आदरणीय कमलनाथ जी, साहब के भाषण के पहले मैं साहब से गुजारिश करता हूं कि एक उनके जीवन पर डॉक्यूमेंट पर आप भी देखिएगा, ये दिखाना चाहते हैं, 5 मिनट की है, इसलिए कृपा करके डॉक्यूमेंट्री चालू करें और वो सब डॉक्यूमेंट्री चालू करें।